मेरा लाडे सर तेरा फेवरेट चॉकलेट केक। थैंक यू बाबा, कितना अच्छा है। और मम्मा। थैंक यू मम्मा। मैं इसको किसने बुलाया था? तूने बुलाया ला? मैं क्यों बुलाऊंगी? मेरे पार्लर की सौगंध, मैं तो इसे अपने मरने पे ना बुलाऊं। खुशी का मौका तो दूर की बात है। माओ तू क्यों लेकर आई है इसको? तुझे पता है ना जो जले हमारे छोरे से? माओ बोल ना इसको यहाँ से जाने के लिए, हमारी फैमिली का मूड खराब ना करे। हाँ छोरी तू जा। ये ले, खुशी का मौका है, मुंह मीठा कर ले। अब किसी भी भिखारी को कुछ देने की जरूरत ना है, इसको दे दिया ना, हो गया। घूर के रही है? हमारी फैमिली को नजर लगावेगी क्या? बाप तुम्हारा सौतेला है ये मन ने पता है, लेकिन माँ तो सगी है ना हमारी। एक सगी माँ इतनी बुरी कैसे हो सकती है माउड़ी? अरे डाकण, चल दफा हो, भाग यहाँ से और अपना जेब दो कड़ी का गिफ्ट भी लेकर जा। ये गिफ्ट मारी मावड़ी लाई थी अपने नाती के लिए, पर तुम लोग इतने बेशरम हो कि उसकी जरा भी इज्जत ना करी। अब क्या कहना है थारा मावड़ी? मारे को समझा रही थी ना कि पिछला सब कुछ भुला के आगे बढ़ो। अब मावड़ी मारे को जो मर्जी बोलो, कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मारी मौड़ी की आंखों में आंसू बर्दाश्त है मारे को, समझे तुम लोग? इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। मम्मा नहीं मिली वहां, बट आर यू श्योर कि आपने उन्हें देखा था? हाँ पापा, मैंने उनको टच भी किया था। और इमेजिनेशन में तो टच भी नहीं कर सकते ना। आई नो पापा, आप क्या सोच रहे हो, मम्मा तो स्टार बन गई है, और वो वापस कैसे आ गई? पापा मेरी स्टोरी बुक में भी एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें एक स्मॉल गर्ल की मम्मा वापस आ जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि गॉड ने मेरी मम्मा को वापस भेज दिया अक्षु के लिए। बेटा अक्षु वेट कर रही है हमारे घर पर, हमें वापस जाना होगा। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना, आप जाओ। नहीं श्योर बेटा, देखो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपको टाइम दूंगा मैं, स्पेस दूंगा,
अब बस मेरे साथ चलो प्लीज। मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है पापा। और ये मम्मा भी हैं, उनको भी तो ढूंढना है। ईश्वर का हरफ। यस पापा। देखो जरा भी कुछ हुआ तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। लव यू टू पापा। बाय। टेक केयर। रुक। लव यू पापा। बट आई लव मम्मा आल्सो। तभी तो गॉड ने उनको भेज दिया ना। आपको नहीं करना तो स्टॉप मत करो, पर मैं करूंगा। मैं अपनी मम्मा को भी ढूंढूंगा। दुश्मन रुक। दुश्मन। मारे को माफ कर दो लाडू, मारी गलती है जी। हे खाटू श्याम बाबा, कुछ करो। भेजो कोई देवदूत जो मारे लाडू को इस नरक से बाहर निकाल देवे। जो तेरे अंदर से स्टीम निकल रही है उसको ठंडा कर दे। ना, ना हो सके ठंडा। आग है हमारे अंदर आग, और जब तक इस आग में मैं उन करे लोग को भून ना दूं ना, तब तक चैन ना पड़ेगा हमारे को। तो उनको भूनने के चक्कर में तू तो खुद क्यों जल रही है दुश्मन? परवाह ना है अपनी। अब मुझे तो है ना। तो जरूरत ना है। अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं। देख देख मारा, थारे से कोई प्रॉब्लम ना है। थारे को पता है मारा प्रॉब्लम अपनी लाइफ से है। उतना सौतेला व्यवहार करे हमारे से। हमारी सगी माँ है ना वो, इतना भी प्यार ना है उसे हमारे से। रोले अगर रोना है तो ना ना रोना हमारे को। पता नहीं क्यों लाइफ इतनी अनफेयर, हर किसी को बस दुख ही देती है, कोई खुश नहीं। ऐसे दुख जो इंसान सह ही नहीं सकता। उनसे मेरी नायरा को छीन लिया, तारा से उसकी मम्मा को, और अब ये लड़की। ऐसे भी बहुत दुख है। हमारे पास हमारी फैमिली तो है, उसके पास तो शायद फैमिली होते हुए भी नहीं है। एक मांगड़ी है बस, जो हमारे से प्यार करे है, जैसे परवाह है हमारी। इसलिए तो उसकी बात को मना ना कर सकू मैं, ना उसने छोड़ के कटे जा सकू। वरना तो कब की बात की होती चजाल को छोड़ के। छोड़, क्या फायदा है उसके बारे में बात करके, जाना तो फिर उसी नरक में है ना। चल घर चले, मावड़ी बैठी रात देख रही होगी, मैं खाया पीना होगा उसने कुछ। चल
रेगिस्तान में ये फूल कहाँ से खिला दुश्मन? तू कहे तो नाम पता पूछ के आ जाऊं है? बाबला है कि हमारे पास फालतू बातों के लिए कोई टाइम ना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।